सो दोस्तों, अभी ये हमारी वोल्वरिन को निकालते हैं और आज हम एकदम स्पेशल जगह जा रहे हैं। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, माइंड मत करना, इसलिए आवाज़ थोड़ी अलग से आ रही है। तो वोल्वरिन को काफ़ी दिन बाद निकाल रहे हैं और इसे ले जा रहे हैं एक जगह। अभी टाइम हो गया 9:24, हमने अपॉइंटमेंट लिया 10:30 का, बताता हूँ रास्ते में अभी यहाँ से निकाल लेते हैं। सो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की शुरुआत करते हैं वोल्वरिन को, पहले पेट्रोल डलाते हैं यहाँ पे और फिर इसको एक ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहाँ बहुत ही ज़रूरी हो गया इसको ले जाना, क्योंकि आपको दिखाऊंगा किस लिए। पहले पेट्रोल यहाँ फिलअप करा लेते हैं फटाक से। तो फ्यूल अप हो गया, अब बताते हैं कि कहाँ लेके जा रहे हैं इसको। ले जा रहे हैं हम डॉक्टर के पास सर्विस के लिए, इसका एनुअल मेंटेनेंस सर्विस जो बचा हुआ है, जो ईयरली होता है या 10,000 किलोमीटर्स में। तो मेरा 10,000 हो गया है, अगर मैं दिखाऊं किलोमीटर्स कितने, 10,658। सो इसमें नोटिफिकेशन भी आता है जिसकी वजह से आपको सर्विस के लिए भी बोलेगा। ये यहाँ लास्ट पे जाएंगे तो माय व्हीकल पे, या 71 किलोमीटर के अंदर, या डेट 27/12, ठीक है, 27/12/2022 से पहले तुमको सर्विस करानी है। तो मेरा तो 27/12 तो नहीं है, एनुअल मेंटेनेंस 10,000 की वजह से आ रहा है, जो मैं 10,000 रन कर लिया हूँ। आप देखे ही होंगे मेरा वीडियो, मैं गया था नॉर्थ ईस्ट कंप्लीट, नॉट कंप्लीट, मैं राउंड ट्रिप जो किया था वो मुझे 8,000 किलोमीटर्स हो गया था आना जाना यहीं से बैंगलोर टू नॉर्थ ईस्ट। अभी फ़िलहाल जल्दी से पहुँचते हैं और मैं जा रहा हूँ दूसरे शोरूम, इस बार जहाँ से डिलीवरी लिया था वहाँ से सर्विस नहीं करा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ एक नया शोरूम ओपन हुआ है, सर्विस एंड शोरूम BMW का बैंगलोर में ही, तो हम वहाँ जाने का सोच रहे हैं। तो फिलहाल ये केआरपुरम हैंगिंग ब्रिज पे है और हमें लगेगा पहुँचने पे है। हम जा रहे हैं सोनी सिग्नल GSP BMW मोटरेड जो नया ओपन हुआ है, और 45 मिनट्स दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 10:35 को पहुँचेंगे और वहाँ जाके ही पता चलेगा कि कितना क्या है। और BMW का सर्विस है भाई, साल में एक बार होता है 10,000, तो वहाँ जाके एस्टीमेशन पता चलेगा और बिल पता चलेगा और क्या क्या सर्विस है। मेजर मुझे दो प्रॉब्लम आ रही है इसमें, एक हॉल्ट हो जाता है लो RPM पे और हॉर्न नहीं बज रहा है, जो हमारे राइड के दौरान ख़राब हो गया था। सो दोस्तों, अभी हम आ गए करीब इंदिरा नगर के आसपास, इंदिरा नगर में है और यहाँ से हमें दूरी बता रही है, मतलब कितना डिस्टेंस और कवर करना है, 5.8 GSP मोटरेड बैंगलोर जाने के लिए, जहाँ हमारी बाइक की सेकंड सर्विस होने वाली है। और सेकंड सर्विस इस एज यूजुअल हर बाइक की जैसे होती है वैसे ही होती है इसमें, बट इसमें जो शाफ्ट ड्राइव है उसका भी ऑयल चेंज होता है। सो दोस्तों देखो, यहाँ से सिर्फ 1.1 किलोमीटर है और ये पूरा घेरा हुआ है, और बैंगलोर का ट्रैफिक देखो मॉर्निंग 10:30 को। हाँ भाई साहब, पसीने आ रहे इतने ऐसे मौसम में भी, बहुत ज़्यादा गाड़ी भी गर्म होने चालू हो गई, दिखाता हूँ आपको। इट इज़ अ चैलेंजिंग टास्क सच में, सर्विस देने आने के लिए भी एक चैलेंजिंग टास्क है यहाँ पे। रुक जा भाई, जाने दे। सो ये रहा सर्विस स्टेशन और यह रहा हमारी वोल्वरिन। ओके, लेट्स टॉक टू हिम। सर्विस के लिए मैं अपॉइंटमेंट लिया था। सो ही इज़ टेकिंग फ्यू फोटोग्राफ्स, डूइंग अ इंस्पेक्शन। सो इंस्पेक्शन कर रहे हैं और फोटोज़ ले रहे हैं, उसके बाद डिटेल बात करेंगे कि क्या चाहिए इन्हें।
क्या होगा एज पार्ट ऑफ द सेकेंड सर्विस एंड देन वी विल एक्सप्लेन दैट वॉट आर द टू इशूज़ वी हैव, मतलब दो इशू के बारे में हम अभी बताएंगे। पहले इनको इंस्पेक्ट कर लेने दो, फिर उसके बाद सर्विस स्टेशन बोलता हूँ, ये शोरूम भी आपको दिखाएंगे कैसा है ये। तो फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग ओवर हियर, सो लेट हिम टेक द फोटोग्राफ्स एंड इंस्पेक्ट बैक। Okay. There is a two issue what I am feeling. That one is if you turn on this, are you going to create a job card and all? Yeah. Okay, so he's coming. Okay, fine. But anyway, let me tell you that. So what happened? There is a initially what this horn is not working. Okay. Okay. So initially what I felt, I was in right. Sometimes stop, sometimes again start. Then I realized that the connectors are loose. If you just here is the connector, right? This connector, if you just keep pressing that horn, here is the horn connector. Mm-hmm. Right? Let me just try. A few moments later. You are so dumb. You know that I'm here. तो दोस्तों हो गया, यहाँ से बात हो गई एचडी मोटर ऐड से और यहाँ पे रखी हमारी बाइक और एस्टिमेशन मिल गया। बट सर्विस होने के बाद ही मैं बताऊँगा आपको कितना प्राइस आया इसका। ये रखी हुई है हमारी वोल्वरीन और ये रहा जीएसपी मोटर ऐड। अब यहाँ से हमको निकलना है, जाना है फिर से वापस मेरे घर और मुझे टेंटेटिव टाइम दिया हुआ है कि आने के लिए अराउंड कल शाम को दोपहर को आने के लिए। बट इवनिंग पे कॉल करके बताएंगे कितना और टाइम लगेगा, कब तक डिलीवर कर सकते हैं। बट एनीवे इनको टाइम लेने दो, सर्विस करने दो। टू माइनर इश्यूज थे वो बोले वो हो जाएंगे। एक बड़ा सा अमाउंट तो एस्टिमेट किया बट देखते हैं क्या होता है। अब चलते हैं, यहाँ से कैब लेता हूँ घर जाते कैब। सो दोस्तों ये है नेक्स्ट डे हम जा रहे हैं वापस हमारी वोल्वरीन को लेने और इस टाइम आकाशी भी जा रही है लेने। बट बाहर का मौसम देखोगे बारिश हो रही है पूरी, तो देखते हैं। ऐसे भी मैं वॉश करने के लिए मना किया था बाइक वॉश मत करना, क्योंकि नेक्स्ट डे अगर ऐसे ही बारिश में लाना पड़ा, बैंगलोर का वेदर तो प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते।
तो अभी जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 आवर लगेंगे और उसके बाद जाके पता चलेगा कितना हुआ, क्या कितना बिल आया एक्चुअली सर्विस का। ये सेकंड सर्विस था मेरा, जो ईयरली होना था वो हो गया पहले 6 महीने में हो गया, आप समझो। और 10,000 किलोमीटर्स था, तो 10,700 समथिंग था मेरा बाइक का ओडो। तो अभी क्विकली चलते हैं। सो दोस्तों, हम आ गए JSP मोटराड और बिलिंग के लिए मैं बोल दिया हूँ नीचे रेडी होने के लिए। तो बिल रेडी हो रहा है हमारा सेकंड सर्विस का, और ये रहा JSP और एक दोस्त का बाइक का भी डिलीवरी आपको दिखाता हूँ। और ये रही एक टेस्ट राइड व्हीकल, दिस इज़ अ एनिवर्सरी एडिशन वाली। और आपको 2-3 बाइक और दिखाता हूँ। 1000 RR खड़ी है, एक ओल्ड शेप 310, बहुत अच्छी व्हीकल है। 1000 RR ओल्ड शेप लास्ट जेन। और ये है हमारी 310 जो न्यू RR एडिशन है, बहुत अच्छी लग रही है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ऑसम है। और ये 310R, सो कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। और ये मेरी बाइक नहीं है, ये वोल्वरीन नहीं है, ये GS है। तो आप GS पूछते हैं कैसे दिखती है, अलग ही दिखती है ये। थोड़ा सा शेप शॉर्ट है, टैंक अगर आप देखेंगे तो टैंक भी छोटा लगेगा आपको, और ऑलमोस्ट सेम लगेगा बट टैंक छोटा है। और कुछ और चीज़ें जो कम लगती है इस पर, हमारी बाइक में तो बहुत चीज़ लोडेड है। गार्ड्स नहीं है, ये गार्ड एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, इसके आगे भी गार्ड नहीं है, आगे से थोड़ा शॉर्ट लगता है। तो अभी जाते हैं, रेडी कराते हैं हमारी बिलिंग को, देखते हैं एक बार वेरीफाई करते हैं। कुछ चेंज हुआ इसके लिए, थोड़े पे करने हैं, वो देखते क्या है। जो हॉर्न भी मैं कनेक्शन इशू था उसको भी देख लिया हूँ क्या है, पर उस पर भी चार्जेस लगे, उसको फिक्स करने के लिए लेबर चार्जेस लगे, और वो भी बहुत शॉकिंग लगा मुझे देख के। तो आपको दिखाऊंगा बिलिंग में क्या क्या हुआ है, कितना पैसा लगा है, क्या है क्या नहीं। बट अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं 2-4 बाइक। क्या लग रहा है बाइक? सो ये दिखाया नहीं था, 400cc द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूटर। नहीं, ये तो वाइट आता है कि स्पार्क अच्छा। जस्ट वांटेड टू सी दैट कंडीशन एज वेल, व्हाइट इज ब्रीथिंग एज सच। देयर वाज अ ब्रीथिंग इशू लाइक आई वाज सेइंग, राइट? ओह, it's completely clogged. Yeah. And this you can keep it inside. Just a minute, I'll open it. Yeah, please. Yeah, we'll do that. Oh. We have a sufficient time, no worries. ओके गाइज, वी आर डन विद द सर्विस और हो गया 5:30, हम आ गए थे 3:30। ये यहाँ पे JSP मोटराड के पास, अब यहाँ से निकलते हैं, अपने को जाना है फिर से हुडी सर्कल होकर। और हम आए थे और बाइक का सर्विस का बिल भी मिल चुका है, ऑनलाइन मिला है, सॉफ्ट कॉपी ले लिया क्योंकि हार्ड कॉपी नहीं यहाँ से। और बिल का मैं डिटेल्स यहीं कहीं पर डाल दूंगा, यहीं राइट पे बीच में बता दूंगा कि कितने का बिल हुआ, क्या क्या पार्ट्स चेंज हुए हैं। और पार्ट्स को भी, और एक इशू आ रहा था जो हॉल्ट हो जा रहा था, इशू मतलब जस्ट क्लच दबाओ और 3rd-4th गियर में भी रहोगे तो हॉल्ट हो जा रहा था, तो एयर फिल्टर भी साथ में चेंज हो गया है। और बिल डालते हैं यहाँ पे, आप देखना यहाँ पे आ रहा होगा बिल, डाल देता हूँ ब्रेकअप जो भी है। बट भाई साहब, लंबा चौड़ा कटा है हमारा, अच्छा खासा कट गया है बेस्ड ऑन योर सर्विस। सो अभी तो गाड़ी मक्खन जैसे, एकदम नए जैसे चल रही है, और क्या बोलूँ। सो दोस्तों, जाने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्द ही। थैंक यू, बाय बाय।